ऐसी बात नहीं, उम्र में मर जा और पूरी जिंदगी उन्हें पी दू, पूरी जिंदगी और बढ़िया जिंदगी जीवी गया। पर यह अपने देसी पीता ई मारा अनुभव है, मारा भजो इतले मौको इतले अपने पेलू वापर वो है अटलीस बात। आज सेताने वाला नहीं पी हुए मोड़ा इलाका नौकरी की दिए बने पतू है मारे माडर ने इलाका मारा भाजी मई डीटा मास्टर फाइलर रे बेपर मिले है अबार मोड़ा अमर वाड़ा मतो वाटम मोजो मास्टर फाइलर काले तमे सोरा ने भड़ा बावा अब्बा वाली पीढ़ी ने होश करवा वाला हो ने तमे एनी बात में लागी लाओ। मारे भाई ने गेर बनावी लू पीता ते पेला ने पैसा ही मलता पी लू। ये मैं हमारे समाज को कैसा बनाना चाहता हूं ये विजन दे रहा हूं आपको मेरे भाइयों। एटले मैं ना नहीं कहता हूं हां जी करो पर आपने वाले इकेन के मार मामा इतर ऐसी वर में गया ने पूरी जिंदगी बढ़िया जीत जा बे दाड़ा खाटला नहीं होता मारा भाजो बे दाड़ा खाटला नहीं होता पूरी जिंदगी अनाज मजे दारू पी ये मारा अनुभव है अनाज आधार मत है को मारा भाई। आपड़ा पेलो दुकान वालों किसी भी सूरत में नहीं, कलाल वालों किसी भी सूरत में नहीं, जैताना वालों किसी भी सूरत में नहीं पी हुए तो आपका शरीर मजबूत रहेगा ये मेरा कहना है। और दूसरी बात हमारे दो भाई अभी आगे जा रहे हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जाएंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि संत माप जी महाराज 1500 ईस्वी में पैदा हुए, आज कौन सा साल चल रहा है 2017 ईस्वी में, आज 2000 चल रहा है तो कितने साल हुए 300 साल। उस समय उन्होंने लक्ष्य रखा कि यह आदिवासी इलाका है वो दारू विहीन होना चाहिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? संत सुरमान महाराज 1875 के आसपास उनका आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के दस्तावेज बोलते 1875 उन्होंने भी दारू विहीन समाज का कल्पना किया, आदिवासी इलाका दारू विहीन। संत गोविंदगढ़ महाराज जिनका जन्मोत्सव अभी 20 तारीख को आ रहा है उसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा आप भी पधारना, उन्होंने भी दारू विहीन समाज का कल्पना किया। सात रजवाड़े वाले हिल गए उनके सामने, सात रजवाड़े और मानगढ़ का हत्याकांड करवाया उन्होंने जबरदस्त। इसके बाद ये दादपुरी वाले ज्योतिषर महाराज उन्होंने भी यही कहा दारू विहीन आदिवासी इलाका। उसके बाद में देवापुरी महाराज पाड़ाईटीवार उन्होंने भी यही कहा कि आदिवासी इलाका दारू विहीन होना चाहिए। और ये महात्मा चले गए, ये संत चले गए, ये भगत हमारे समाज में चले गए, लेकिन उनके अनुयायियों ने आज तक आंदोलन चलाया हुआ है कि आदिवासी इलाके में दारू नहीं बिकना चाहिए। मेरे भाइयों सही है कि गलत है? और यह हराबखोर चुनाव जब भी आता है जबरदस्ती हमारे गांवों में दारू लेके आते हैं, जबरदस्ती पिलाते हैं। यही नेता, यही सरकार के कारिंदे, यही दुकानदार हमारे समाज को जबरदस्ती दारू लेके आते हैं। यह दारू का बंटवारा 300 साल की मेहनत हमारी, 70 साल में इन लोगों ने हमारे समाज को तोड़ के रखा। यदि ये लोग पुराने होते हमारे समाज को दारू पिलाने का काम नहीं किया होता तो आज हमको यह पार्टी नहीं लानी पड़ती, लेकिन उन्होंने दारू पिलाया ये भी अच्छा काम किया। मैं तो ऐसा कहता हूं हमको मौका मिला समाज को समझाने का। आज मेरे गांव की बात करूं मेरे भाइयों, मारस भाई काकानो हमें हेता था कि क्या न की पी कटला बढ़ा की दम इन्हें घेरवाली ना ही जमा में ले करती थी थाकी गई हम करी इन बांधवा तोड़ जाक्चू कमाने तोड़ जाक्चू अने पाई पाई। और मेरे भाइयों आखिर मारो खोनो तो कालिया नो इस चुनाव में उस आदमी ने एक दिन भी दारू नहीं पिया और प्रचार किया मेरे भाइयों।
मुझे गर्व होता है मारे बाप को एक खून कम से कम हुदू ये बता जैसा ने कटना उधरी क्यों आप लोगों ने देखा होगा और 1800 वोट एक झटके में बेरसा में लाए 84 का उनका आदमी जो इंचार्ज था वो बेरसा का था उन सबके चेहरों पर काली पोत दी हमारे भाइयों ने वही दारूढ़िया लोगों ने इसलिए मैं सलाम करता हूं सभी दारूढ़ियों को एक समय मैंने भी दारू पिया था मैं भी दारूढ़िया हूं